महिला दिवस के मौके पर हरिद्वार में महिलाओं को शारीरिक रूप से मजबूत और स्वस्थ रहने के लिए योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि योग प्राचीन काल से स्वस्थ जीवन जीने का प्राकृतिक तरीका है। इसकी उत्पत्ति भारत में हुई और अब यह दुनिया भर में लोकप्रिय है। बाबा रामदेव और नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आज सभी तरफ योग सफल हो गया है। योग पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए फायदेमंद है, लेकिन कुछ योगा आसन हैं जो कि विशेष रूप से महिलाओं के लिए अधिक उपयोगी हैं। योगाचार्य देवप्रिया ने बताया कि महिला अपने जीवन में विभिन्न चरणों से गुजरती है, इन सभी चरणों में वह अलग अलग भूमिकाएं निभाती है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। काल से जो हमारे ऋषि थे वो एक तरह से जो उपदेश देते थे वो सुपर साइंस थी। योग अपने आप में एक सुपर साइंस है, साइंस नहीं है। और जो ऋषियों के वचन थे वो त्रिकाल में सत्य होते हैं, वो उस समय भी उतने ही सत्य थे, आज भी उतने ही हैं और आगे भी उतने ही सत्य रहेंगे। तो आज हम देख रहे हैं वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो युवा पीढ़ी नशा और वासना की तरफ आगे बढ़ रही है, वहीं पर हमने इसका एक मॉडल तैयार किया है पतंजलि विश्वविद्यालय में। पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, लगभग 1000 छात्र छात्राएं यहाँ से। आज पतंजलि योग के पतंजलि विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ गोविंद घाट हरिद्वार माँ गंगा जी के तट पर महिला शारीरिक मानसिक और सामाजिक ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया और इस अवसर पर उन्हें योग प्रशिक्षण भी दिया गया। और मैं समझता हूँ कि आज जो जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से हमारी युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है, तो उस समय में इसकी बहुत ज़्यादा महत्व है। हम लोग यदि योग अपनाएंगे तो इन सब विषयों से अपना भी समाज मुक्त होगा, ऐसा सब लोग को सोचना चाहिए। ऐसा हमारा भी मानना है कि जैसे जैसे योग का प्रसार प्रसार होगा, वैसे वैसे इन व्यसनों से हमारा युवा दूर जाएगा और वो स्वस्थ जीवन में स्वस्थ समाज का निर्माण करने में सक्षम होगा।